जय भारत एंड हेलो डियर एदुतियंस। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के दो लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में एंड सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं, और उसमें जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज हीट एंड ट्रायल मेथड एंड सेकंड इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। सो हम डिस्कस करेंगे आज हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इसमें हम लेते हैं एक फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन इस तरीके से है, H2+O2। तो जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा और फॉर्म होगा H2O। ओके, सो हमारा इक्वेशन है H2+O2 गिव्स H2O। अब जब हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे कि रिएक्टेंट साइड के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है एंड प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है। देन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड हमारे पास जो एलिमेंट्स है उनका नंबर कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के हमारे पास अवेलेबल है रिएक्टेंट साइड के अंदर, और सिमिलरली किसी एलिमेंट के हमारे पास प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है, उसको हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया है, एक टेबल बना दिया है, जिसमें हमने इस साइड पे रखा है रिएक्टेंट्स को, एक साइड पे रखा है प्रोडक्ट्स को। ओके, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि रिएक्टेंट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो हमने लिस्ट यहाँ पे बना दिया, रिएक्टेंट में हमारे पास है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, जितने एलिमेंट्स हमारे पास है, फिर जो एलिमेंट हमारे पास रिएक्टेंट साइड में होंगे वो ही एलिमेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट साइड के अंदर होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोडक्ट साइड के अंदर कोई और नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। जो एलिमेंट्स हमारे पास रिएक्टेंट साइड में होंगे वो ही एलिमेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट साइड के अंदर भी होंगे। ओके, तो अब उनके नंबर हम लिखते हैं फ्रेंड्स कि जैसे आप देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट साइड के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। देखिए, जब H2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जब O2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, मेरे पास दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, तो मैं उसके नंबर इस तरह से लिखूंगा दैट हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड के अंदर हमारे पास दो है और ऑक्सीजन भी हमारे पास दो अवेलेबल है। अब अगर बात करें प्रोडक्ट की फ्रेंड्स, तो उसमें H2O मतलब एक ही कंपाउंड है, लेकिन एक कंपाउंड अगर लिखा है H2O तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन एटम्स है। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि H कितने हैं हमारे पास, दो हाइड्रोजन के एटम्स है H2O के अंदर और एक ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, तो ये नंबर फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमारा काम स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि रिएक्टेंट साइड के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन दो है और प्रोडक्ट साइड के अंदर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो दो ही है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जो है वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन सेम ही है मतलब। और अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर दो है और प्रोडक्ट साइड के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन वन है। तो उसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट साइड के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट साइड के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके नंबर जो है वो हमें बैलेंस करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो नंबर है, मुझे यहाँ पे भी दो करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड होगा, हमें ध्यान रखना है जिस एलिमेंट का नंबर हमें बैलेंस करना है वो एलिमेंट्स किस कंपाउंड के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, उस कंपाउंड से हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑक्सीजन वाला हमारे पास यहाँ पे एक ही कंपाउंड है, कौन सा है, H2O। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट अवेलेबल है। मुझे ये दो नंबर सेम करने हैं, ठीक है, यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है, तो मैं एक को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर दो आएगा। ऑब्वियसली अगर मैं वन को टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, टू ही आएगा। ओके, तो अगर मुझे ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो टू करने हैं प्रोडक्ट साइड के अंदर, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड है, जिस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन है उसको मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इस कंपाउंड को टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, तो देखिए मैंने रिएक्टेंट साइड में कोई चेंज नहीं किया है तो वो एज इट इज रहेगा। सो H2+O2 गिव्स, अब यहाँ पे हो जाएगा 2H2O। तो मैंने जो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड था फ्रेंड्स, वो ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक बात याद रखना फ्रेंड्स, जब यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा मैंने जब यहाँ पे बताया कि ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को मुझे टू से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × H2O, कुछ लोग ये सोचते हैं 2 × H2O है तो क्या होगा, तो सीधी बात है H4O2।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ये गलत है। यहाँ पे आपने पूरा कंपाउंड ही चेंज कर दिया, ठीक है, हमें कंपाउंड में कोई चेंज नहीं करना है, ये तो हमारा प्रोडक्ट जो है वही चेंज हो गया है ना, H4O2। देखिए हमें पता है फ्रेंड्स, हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स है उनके बीच में कोई पर्टिकुलर बॉन्ड है और एक बॉन्ड से वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कंपाउंड फॉर्म किया है। लेकिन जब हम यहाँ पे H4O2 लिखते हैं, मतलब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को इंक्रीज कर दिया और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर दिया, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे नया कंपाउंड फॉर्म नहीं करना है, जो कंपाउंड है उसके नंबर ही हमें इंक्रीज करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास H2O का एक मॉलिक्यूल है, तो मैं H2O के दो मॉलिक्यूल कर दूंगा, कहने का मतलब ये है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ H2O के मॉलिक्यूल एक ही थे, इसको मैंने दो कर दिया, तो कंपाउंड मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके नंबर चेंज किए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हमने क्या किया, तो हमने 2H2O कर दिया। 2H2O करना मतलब मेरे पास पहले सिर्फ एक H2O था, अब उसमें एक और H2O मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब अगर आप काउंट करोगे तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अवेलेबल होंगे प्रोडक्ट के अंदर। देखिए 2H2O किया मतलब एक H2O है, अगर ये एक H2O है तो उसके अंदर दो हाइड्रोजन है एंड एक ऑक्सीजन है, दूसरा एक H2O है तो उसके अंदर भी क्या है हमारे पास दो हाइड्रोजन है एंड एक ऑक्सीजन है, तो दोनों का अगर आप समेशन करोगे तो क्या होगा, हमारे पास हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएंगे 2 ऑक्सीजन, ओके। तो जब हमने 2H2O किया, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये जो दो नंबर हैं वो दो नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर हमें सिंपल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमने यहां पे लिखा हुआ है 2H2O तो उसका मतलब क्या होगा कि 2 × 2, ये दो नंबर को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 × 2 क्या होगा 4, तो हमारे पास हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन और इस 2 को मल्टीप्लाई करना है मुझे इस ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास हो जाएंगे 2 ऑक्सीजन। तो 4H2O आप इस तरीके से लाइए या फिर इस तरीके से लाइए, ये हमारा इजी मेथड है, क्लियर, ओके। तो अब शायद आप समझ पाए होंगे फ्रेंड्स कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अवेलेबल है प्रोडक्ट साइड के अंदर। तो अगर हम लिस्ट फॉर्म करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन एज इट इज 2, क्योंकि हमने रिएक्टेंट साइड में कोई चेंज नहीं किया है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी क्या होंगे 2। अब यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, अभी हमने डिस्कस किया, तो हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन के एटम्स मेरे पास हो जाएंगे 2, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या था कि ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना था दोनों साइड के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो दोनों साइड पे सेम हो गए 2-2, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने से हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिया, मतलब रिएक्टेंट साइड के अंदर देखिए आप तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2 है और प्रोडक्ट साइड के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 4 है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, अगेन मैं रिएक्टेंट साइड के अंदर बैलेंस करने की ट्राई करूंगा, किसको, जिसका नंबर कम है, तो हाइड्रोजन का नंबर मेरे पास यहाँ पे कम है, तो मैं क्या करूंगा जो हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है उसमें मैं कोई चेंज करूंगा। अब क्या चेंज करूंगा, तो देखिए यहाँ पे नंबर हाइड्रोजन का 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 4 आएगा, ऑब्वियसली मैं 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 4 आएगा, मतलब मुझे हाइड्रोजन वाला जो कंपाउंड है रिएक्टेंट साइड के अंदर उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ एस ओ डबल करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए ये हमारे जो नंबर्स है वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन वाला कंपाउंड कौन सा है हमारे पास रिएक्टेंट साइड के अंदर, ये H2 ही है, तो उसके आगे मैं सिर्फ क्या कर दूंगा 2 लगा दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब आप काउंट कीजिए फ्रेंड्स, ये 2 अगेन 2 × 2 = 4 होगा, अगर ऐसा लिखा है 3H2, समझ लीजिए अगर ऐसा लिखा है 3H2 तो मतलब ये दो नंबर जो मल्टीप्लाई होंगे और उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास होंगे, तो 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे अगर ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है 2H2 मतलब हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो अब हमारा जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट साइड 4 हो गए 2 × 2 = 4 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड कितने हो गए 2 और प्रोडक्ट साइड के अंदर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी 4 और 2 ही है, मतलब हमारा जो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, आप देख सकते हो कि हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जब कभी भी फ्रेंड्स रिएक्शन होता है इंडस्ट्री में, कुछ केमिकल से रिएक्शन होता है या फिर कभी भी आप लैब में परफॉर्म करते हो, तो जब रिएक्शन होता है तो ऑलवेज 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 1
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं और 2H2 के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। कभी भी वन सिंगल H2 का मॉलिक्यूल जो फॉर्म नहीं होगा। क्लियर हो इतनी बात? तो ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ पे सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड जो उसका यूज करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है, हमें सिर्फ अपने हिसाब से नंबर को सेट करना है। हीट एंड ट्रायल मेथड के अंदर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपको इस रूल से ही इक्वेशन को बैलेंस करना है, लेकिन हमें सिर्फ ये यहाँ पे समझना है कि हम अपने हिसाब से इनको सेट करते जाएंगे, अपने हिसाब से हमें नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों साइड इक्वल अल्टीमेटली करने हैं। ठीक है, और इसलिए मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड्स कि जब हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन तो उसके लिए कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, हमें थोड़ा बहुत स्किल चाहिए उसके लिए और बहुत सारा उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसको बढ़िया तरीके से सीख पाओगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। CH4 प्लस O2, CH4 मतलब मीथेन गैस, उसको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर। सो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। मीथेन गैस को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा इक्वेशन है बैलेंस नहीं है। अब अगर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा? हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल। टेबल में हम क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो नंबर है उसको यहाँ पे लिखेंगे। सो एज यू कैन सी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज ओनली 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 4, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मेरे पास है यहाँ पे 2। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन है मेरे पास यहाँ पे 1, हाइड्रोजन देखिए अब ऐसे है यहाँ पे एक ही है हाइड्रोजन वाला कंपाउंड H2, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है CO2 प्लस H2O। तो देखिए दोनों कंपाउंड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, उनके नंबर का समेशन करना है। मतलब CO2 के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, और H2O के अंदर भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, तो दोनों का हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, टोटल 3। ओके, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन प्रोडक्ट इज 3। क्लियर? ओके, तो नंबर जो है कुछ इस तरीके से हो जाएंगे 1, 4, 2, 1, 2, 3। तो अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो दोनों साइड बैलेंस नहीं है। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो भी दोनों साइड बैलेंस नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो दोनों साइड सेम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहां पे इस केस में आपके पास यहां पे 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि मैं क्या करूंगा, देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मेरे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास 2 है, तो मैं प्रोडक्ट साइड के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको 4 करने की ट्राई करूंगा। ये एक वे हो गया। अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है तो और हम क्या कर सकते हैं, तो और हम ये कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड के अंदर हमारे पास 2 है एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड के अंदर हमारे पास 3 है, तो मुझे दोनों साइड नंबर सेम करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आंसर आएगा 6। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे जो 3 है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 6। तो अल्टीमेटली दोनों साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सेम हो जाएंगे। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने से ट्राई कर सकते हैं। तो जहां सबको स्टार्ट करना है वहां सब स्टार्ट कर सकते हैं। मैं करता हूं स्टार्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने से क्योंकि मुझे वो इजी लग रहा है और ऑब्वियसली हमें जो इजी होता है हमें वही मेथड से आगे बढ़ना होता है। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो मेरे पास प्रोडक्ट साइड के अंदर है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब मेरे पास जो हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होगा प्रोडक्ट साइड के अंदर उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन वाला कंपाउंड मेरे पास यहाँ पे एक ही है H2O, तो H2O को फ्रेंड्स मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर 2H2O लिखा है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 4 हो जाएंगे, अभी हमने डिस्कस किया, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, अगेन वो भी हो जाएंगे 2। क्लियर? तो हमारा रिएक्शन कैसे बनेगा, तो CH4 प्लस O2 एज इट इज, क्योंकि हमने रिएक्टेंट साइड में कोई चेंज नहीं किया है। सो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 भी एज इट इज रहेगा लेकिन H2O के साथ मैंने यहाँ पे लगा दिया है 2। तो अगर अगेन हम नंबर्स काउंट करेंगे
तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वन एज इट इज, मतलब ये नंबर जो है यहाँ पे सेम आएंगे क्योंकि हमने रिएक्टेंट साइड में कोई चेंज नहीं किया है. हाइड्रोजन इज 4, ऑक्सीजन इज 2. प्रोडक्ट साइड में कार्बन इज 1, हाइड्रोजन 2 2 4 एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे देखिए अब अगेन 2H2O, मैंने अभी आपको बताया 2H2 लिखा है, मतलब ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. मतलब मेरे पास 2H2O के मॉलिक्यूल हो गए तो 1H2O के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होगा, तो 2H2O के मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे. तो 2 + 2 यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया. क्लियर? तो हमारे पास नंबर जो है कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, 142144. ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि कार्बन जो है वो सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी सेम हो गए दोनों साइड के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सेम नहीं है. यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थे, यहाँ पे 4 हो गए. कैसे हो गया आपको समझ में आ गया ना, 2 और ये 2 4 हो गए. अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड होगा मेरे पास रिएक्टेंट साइड के अंदर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि मुझे वहाँ पे 4 करना है. ठीक है, तो 2 × 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा. तो जो O2 है उसके साथ में 2 जो है वो आगे लगा दूंगा, तो रिएक्शन क्या बनेगा, CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं किया. तो फाइनली फ्रेंड्स हमारे पास नंबर कैसा बनेगा, देखिए कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 2 4, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 2 4 एंड ऑक्सीजन 2 + 2 4. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, हमारे तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर सेम मिल गए हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं. ठीक है, अगर MCQ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए एक अलग मेथड है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. सो नाउ फ्रेंड्स चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, C2H2 + O2 गिव्स CO2 + H2O. हमारे पास यहाँ पे एक और कंपाउंड है C2H2, उसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसमें से प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अगेन हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को नोट करेंगे. सो टेबल बना दिया, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितने होंगे यहाँ पे देखिए 2, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे हमारे पास अगेन 2. नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने होंगे 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे 2, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 + 1 = 3. क्लियर, ये हो गया. अब क्या करेंगे, सो ये नंबर्स जो है कुछ इस तरीके से बन जाएंगे. अच्छा, अब देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन ये दो जो है वो बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन के जो नंबर है वो तो बैलेंस ही है. तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगेन फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है. ये ऑक्सीजन जो है वो वाला जो कंपाउंड है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे करूंगा 6, और प्रोडक्ट साइड जो ऑक्सीजन है उसको वो वाला जो कंपाउंड है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं करूंगा यहाँ पे 6. हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ कार्बन देखिए यहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन को यहाँ पे 2 करने की ट्राई करेंगे. मतलब कार्बन वाला जो मेरे पास कंपाउंड अवेलेबल होगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 करने की ट्राई करूंगा. तो आपको जो इजी लगता है स्टार्ट कीजिए, मैं कार्बन से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, CO2 ही है. ठीक है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2. ओके, तो हमारा रिएक्शन कैसे बनेगा, सो देखिए हमने रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं किया है तो वो एज इट इज C2H2 + O2 गिव्स CO2 क्या क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, सो 2CO2 + H2O. अब CO2 के अंदर फ्रेंड्स ऑक्सीजन भी है तो उसके नंबर में भी चेंज होगा. ठीक है, तो क्या चेंज होगा वो देखते हैं. तो हमने यहाँ पे अगेन टेबल बना दिया, रिएक्टेंट साइड में कोई चेंज नहीं था तो वो एज इट इज 2 2 एंड 2. क्लियर, प्रोडक्ट में क्या चेंज हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स अगर 2CO2 लिखा है तो ये दो नंबर जो है कार्बन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये दो नंबर जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. मतलब मेरे पास CO2 के एक नहीं, CO2 के मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स है. तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कितने हो गए 1 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2. तो इसको दूसरे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन मेरे पास हो गए 2 और ऑक्सीजन मेरे पास हो जाएंगे 4. क्लियर, ओके, सो 2CO2 मतलब नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास हो गए यहाँ पे 2, हाइड्रोजन तो एज इट इज है 2,
अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का क्या होगा, तो देखिए 2 × 2 = 4 + 1, H2 के अंदर भी एक ऑक्सीजन है, सो टोटल नंबर होगा यहाँ पे 5, 2 × 2 = 4 + 1 दैट इज 5, ओके। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ओके, तो नंबर कुछ इस तरीके से बनेंगे। नाउ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन जो है बैलेंस नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, तो मुझे अगर दोनों के नंबर सेम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, सीधी बात है, मैं जो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड होगा मेरे पास रिएक्टेंट साइड के अंदर, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो आंसर होगा 10, और सिमिलरली प्रोडक्ट साइड के अंदर मेरे पास ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड होगा उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 10। तो ऐसा करके मेरे पास दोनों साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो 10 हो जाएंगे, ऐसा हमने यहाँ पे सोचा। अब होगा क्या तो देखते हैं, प्रॉब्लम अब यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम ये हो सकता है फ्रेंड्स कि मुझे ऑक्सीजन एटम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब वो 5 है, तो मेरे पास ऑक्सीजन वाले यहाँ पे 2 कंपाउंड है, CO2 NH2O, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, जो नंबर 2 है उसको किस कंपाउंड से मल्टीप्लाई करूँगा, रिएक्टेंट साइड में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन अकेला ही है, तो वहाँ पे तो सिंपल मेरे पास बन ही रहा है C2H5 + 5O2, ऐसा मैं कर दूंगा तो मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पे 10 हो गए, बात खत्म हो गई रिएक्टेंट साइड के अंदर। लेकिन प्रोडक्ट साइड में प्रॉब्लम ये है कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 2 ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स अवेलेबल है, तो इस केस में फ्रेंड्स इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रैक्टिस का जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपको करके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के जो है वो 10 होते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ H2 वाला जो कंपाउंड है, अगर हम यहाँ पे एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी ध्यान में लेते हैं कि ये जो 2CO2 है प्रोडक्ट साइड के अंदर, जो जो 2CO2 है उसको मैं रखता हूँ एज इट इज, और सिर्फ H2O जो है उसके साथ में लगा देता हूँ 2, सिर्फ एक ही कंपाउंड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया H2O को। तो अब काउंट कीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं 4, यहाँ पे हो रहे हैं +2, तो आंसर आया मेरे पास 6। तो सिर्फ H2O को, सिर्फ H2O को 2 से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं होगा, ठीक है। क्या हम सिर्फ CO2 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, तो 2CO2 तो एज इट इज है फ्रेंड्स, मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये हो जाएगा 4CO2, ठीक है, ये हो जाएगा 4CO2, तो ठीक है चलिए 4CO2। तो अब देखते हैं, मैं H2O को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, सिर्फ CO2 जो कंपाउंड मेरे पास अवेलेबल है, ये जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आंसर आएगा 4CO2। तो अब काउंट इज यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, 4CO2 प्लस में करता हूँ H2O, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गए 4 × 8 प्लस यहाँ पे 1, सो टोटल आंसर आ रहा है 9, तो ये भी नहीं चलेगा। तो अब मेरे पास थर्ड केस क्या अवेलेबल है, थर्ड केस में ये कर सकता हूँ दैट 2CO2 जो है, ठीक है, प्लस H2O जो है, तो मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि क्या ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स और दोनों साइड सेम करना है, तो मैं CO2 वाला कंपाउंड एंड H2 वाला कंपाउंड दोनों कंपाउंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या उससे नंबर सेम होता है, वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है चलिए वो भी हम करके देख लेते हैं। सो 2CO2 + H2O कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4CO2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2H2O। तो काउंट कीजिए यहाँ पे 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 × ये एक ही है, तो मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, तो आंसर आएगा 10। तो हाँ इस तरीके से 10 ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट इक्वेशन किस तरीके से मुझे लिखना होगा, रिएक्टेंट साइड जो है उसमें मुझे ऑक्सीजन के साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा 5, सो बनेगा C2H2 + 5O2, क्लियर। और यहां पे मुझे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर बनेगा 4CO2 + 2H2O, क्लियर। दोनों कंपाउंड मैंने मल्टीप्लाई किया है, क्या दोनों के अंदर एक ऑक्सीजन ही एटम है, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो मतलब दूसरे जो एटम्स है उसके नंबर भी यहां पे चेंज होगा, क्या चेंज होगा चलिए देखते हैं। सो काउंट करते हैं, कार्बन यहां पे 2 एज इट इज, हाइड्रोजन यहाँ मेरे पास है 2 और ऑक्सीजन है 10, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 4 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 × 2 = 4 हो गए, एंड ऑक्सीजन मेरे पास
फोर टू जा एट प्लस टू के आंसर आएगा 10। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करने से हमने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को हमने अनबैलेंस कर दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, सीधी बात है जो नंबर से कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। अब ध्यान से देखिए तो सिंपल है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों वहाँ पे डबल है उनसे, तो प्रोडक्ट साइड के अंदर मेरे पास अगर कार्बन और हाइड्रोजन वाला कोई कंपाउंड है उसको मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस कंपाउंड को भी टू से मल्टीप्लाई करूंगा और इस कंपाउंड को भी टू से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन अगर आप ध्यान से रिटर्न साइड में देखो फ्रेंड्स, तो दोनों एक ही कंपाउंड है ना, कार्बन वाला कंपाउंड एंड हाइड्रोजन वाला कंपाउंड दोनों एक ही है, तो क्या मुझे फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको? ऐसा नहीं है, दोनों को दो बार नहीं करना है, एक ही कंपाउंड है तो मैं सिर्फ एक ही कंपाउंड को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्शन है देखिए कुछ इस तरीके से है। तो अब मैं क्या करूंगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन वाला मेरे पास जो कंपाउंड है सिर्फ उसको मुझे टू से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो जो C2H2 है उसके आगे मैं लगा दूंगा सिर्फ 2। सो क्या होगा, 2C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O, क्योंकि प्रोडक्ट साइड हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो फाइनली हमारे पास नंबर कैसे बनेंगे फ्रेंड्स, काउंट कीजिए, 2C2 मतलब 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 2 जा अगेन 4, ऑक्सीजन 5 2 जा 10। यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट में से फ्रेंड्स कैलकुलेट करोगे तो कार्बन हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 प्लस 2 डेट इज 10, हो गया 4 4 10 4 4 10। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो बैलेंस हो गया है। तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन मिल रहा है फ्रेंड्स, इसको हम बोलेंगे हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? सो फ्रेंड्स चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ अलग तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आपको केमिकल रिएक्शन लिख के नहीं दिया होगा, मतलब आपको इक्वेशन नहीं दिया जाएगा, आपको वर्ड्स में केमिकल रिएक्शन बताया जाएगा कि इस तरीके से ये जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में रिएक्शन होकर ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो आप पहले तो उसका पूरा केमिकल इक्वेशन फॉर्म कीजिए और फिर उसको बैलेंस कीजिए। अब उसको कैसे करेंगे तो चलिए वो देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन गिवन है, हीटेड आयरन मेटल, आयरन मेटल मतलब हमारे पास Fe है। ठीक है, अब ये सब बात तो फ्रेंड्स आप नाइन्थ में पढ़ के आएंगे कि आयरन फॉर्म Fe लिखते हैं मेटल को। सो हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम, स्टीम मतलब अल्टीमेटली वो H2O ही होगा। ठीक है, टू फॉर्म आयरन 2-3 ऑक्साइड। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, आई होप आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जब आयरन के साइड में अगर रोमन के अंदर 2 लिखा है और अगर आयरन के साइड में रोमन के अंदर 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, अगर 2 लिखा है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आयरन का वैलेंसी प्लस 2 है, और अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आयरन का वैलेंसी प्लस 3 है। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, आयरन 2-3 ऑक्साइड। अब ये क्या हो गया, तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा आयरन होता है ना उसके ऑक्साइड कितने होते हैं, तो एक होता है FeO आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन का वैलेंसी होगा प्लस 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी होगा -2, तो इससे एक हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि प्लस 2 माइनस 2 बैलेंस हो गया है। एक और होता है फ्रेंड्स आयरन का ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन का वैलेंसी यहाँ पे कितना होता है, एक ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा, सो एक ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2, सो 3 ऑक्सीजन का एटम वैलेंसी होगा -6। ठीक है, अब ये -6 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही आयरन है, मतलब यहाँ पे आयरन का वैलेंसी कितना है, +3 है, तो 2 अगर Fe होंगे तो उनका वैलेंसी होगा +6, और ये +6 -6 बैलेंस होके बनते हैं Fe2O3। तो इससे आपको समझ में आता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक केस में आयरन का वैलेंसी है +2, तो एक केस में आयरन का वैलेंसी है +3। लेकिन फ्रेंड्स जब Fe3O4 बनता है, ये अभी आपको नहीं समझना है ज़्यादा डिटेल के अंदर, क्योंकि आपके बुक के अंदर ये कोई इन्फॉर्मेशन अभी गिवन नहीं है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए फ्रेंड्स कि जब Fe3O4 की बात करते हैं, सो Fe3O4 FeO एंड Fe2O3 दोनों से मिला के बनता है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है आयरन 2-3 ऑक्साइड। मतलब अगर आपको कहीं ऐसा दिखा हो, देखने को मिले आयरन 2-3 ऑक्साइड, तो उसका मतलब आपको ये समझना है कि हम डिस्कस कर रहे हैं Fe3O4 के बारे में। क्लियर? ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो
तो हमें क्या बताया गया है, हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम, मतलब आयरन जो है वो रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, H2O के साथ, और फॉर्म कर रहा है Fe3O4, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गैस H2 होगा, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से बनेगा, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ओके। अब हम इसको बैलेंस करना है, तो अगेन क्या करेंगे, पहले टेबल फॉर्म करेंगे। हमारे पास 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड के अंदर, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उनके नंबर काउंट करेंगे। सो रिएक्टेंट साइड के अंदर नंबर ऑफ आयरन है हमारे पास 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास आयरन है 3, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 4, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, नंबर्स तो कुछ इस तरीके से हैं, अब क्या करेंगे, अगेन हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन अवेलेबल है, सॉरी 2 ऑप्शन अवेलेबल है। क्या करेंगे, एक केस में आप ये कर सकते हो कि आयरन वाला जो कंपाउंड होगा हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और उसको 3 करने की ट्राई करूंगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। या फिर ऑक्सीजन वाला जो मेरे पास कंपाउंड होगा रिएक्टेंट साइड में, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और उसको मैं 4 करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम आयरन से स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आयरन वाला कंपाउंड, अब आयरन कोई कंपाउंड तो फॉर्म करता ही नहीं है रिएक्टेंट साइड के अंदर, प्योर मेटल फॉर्म के अंदर वो है, तो सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, जो आयरन है उसके साथ हमें सिर्फ 3 लगाना पड़ेगा, तो हमारा रिएक्शन बनेगा 3 Fe + H2O। प्रोडक्ट साइड में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो वो रहेगा एज इट इज Fe3O4 + H2। तो अब हम काउंट करते हैं अगर नंबर फ्रेंड्स, तो आयरन हो गए 3, हाइड्रोजन हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 1। यहाँ पे आयरन है हमारे पास 3, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 4। सो नंबर्स हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही स्टेप, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है रिएक्टेंट साइड में, उसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन वाला मेरे पास जो कंपाउंड होगा रिएक्टेंट साइड में, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। सो 1 × यहाँ पे करूंगा 4, तो मेरे पास आंसर आएगा 4, ओके। तो रिएक्शन क्या बनेगा देखते हैं, ये रहा रिएक्शन, ओके। 3 Fe + 4 H2O गिव्स Fe3O4 + H2। हमने प्रोडक्ट साइड में कोई चेंज नहीं किया है। अब अगेन नंबर काउंट करते हैं, सो आयरन 3, हाइड्रोजन 4 × 2 = 8। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, 4 × 2 = 8, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे यहाँ पे, क्लियर। और प्रोडक्ट साइड के अंदर नंबर तो सेम ही है 3, 2 and 4। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, रिएक्टेंट साइड में नंबर हो गए 3, 8, 4, वहाँ पे 3, 2, 4। तो आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर 8 है, यहाँ पे नंबर 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होगा उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे आंसर 8 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जो H2 है उसके आगे लगाना पड़ेगा सिर्फ 4, ठीक है। तो मेरा रिएक्शन कैसे बनेगा देखिए, 3 Fe + 4 H2, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, Fe3O4 + 4 H2। तो अगर नंबर काउंट करेंगे तो आयरन 3, हाइड्रोजन 4 × 2 = 8, ऑक्सीजन 4। यहाँ पे काउंट कीजिए, आयरन 3, हाइड्रोजन 4 × 2 = 8 एंड ऑक्सीजन 4, ओके। तो 3, 8, 4, 3, 8, 4, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो नंबर जो है वो हमारे सेम हो गए, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्लियर। नाउ फ्रेंड्स चलिए एक और रिएक्शन ट्राई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो रिएक्शन है उसको मैं आपको 2 अलग अलग तरीके से बताऊंगा कि आप इजी वे से किस तरीके से इस रिएक्शन को सॉल्व कर पाओगे। पहले आपको दिखाता हूँ एक नॉर्मल वे जिससे आप काम करते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारे जो रिएक्टेंट्स एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसको काउंट करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास अवेलेबल है एल्यूमिनियम, फिर हमारे पास है सल्फर, देन हमारे पास है ऑक्सीजन, देन सोडियम एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी काउंट कर लिया है, ठीक है। तो सेम जो एलिमेंट्स वो हमारे पास यहाँ भी होंगे, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम एंड हाइड्रोजन, और कोई नहीं है, ठीक है। तो उनके नंबर काउंट करते हैं, चलिए एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, अलग पेन से लिखते हैं तो आपको थोड़ा देखने में इजी लगे। एल्यूमिनियम मेरे पास यहाँ पे 2 है,
सल्फर मेरे पास यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा लिखा है SO4 ब्रैकेट 3, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? जब ऐसा लिखा है इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3 SO4 के आयंस है, या फिर ऐसा समझिए कि हमारे पास एक SO4, उसके जैसा एक और SO4 और उसके जैसा एक और SO4, मतलब हमारे पास 3 SO4 के आयंस हैं। तो एक अगर SO4 का आयन है फ्रेंड, समझिए अगर मेरे पास सिर्फ एक SO4 का आयन है तो उसमें सल्फर कितने होंगे? 1 होंगे। ऑक्सीजन कितने होंगे फ्रेंड्स? 4 होंगे, ठीक है। तो अगर SO4 3 लिखा है मतलब मेरे पास 3 SO4 के आयंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ का एक सल्फर और यहाँ का 4 ऑक्सीजन, सिमिलरली इसका 1 सल्फर और इसका 4 ऑक्सीजन, इसका 1 सल्फर और इसका 4 ऑक्सीजन, तो टोटल कितना होगा फ्रेंड्स? मेरे पास 3 सल्फर होंगे एंड 12 ऑक्सीजन होगा। मतलब ये जो 3 नंबर है वो सल्फर के साथ और ऑक्सीजन के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा है SO4 3, इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास 3 सल्फर होंगे एंड 12 ऑक्सीजन होंगे, क्लियर? तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। सो सल्फर यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सल्फर मेरे पास हो जाएंगे यहाँ पे 3। ऑक्सीजन देखिए 4 × 12, तो 12 तो यहाँ पे है ही, प्लस इसका एक NaOH का एक, मतलब टोटल हो गया मेरे पास 13। सोडियम काउंट कीजिए, सोडियम एक ही है और हाइड्रोजन भी एक ही है, क्लियर। प्रोडक्ट साइड में चले तो देखिए एल्यूमिनियम हमारे पास एक है, सल्फर भी हमारे पास यहाँ पे एक ही है। अब अगेन देखो ऐसा लिखा है OH3, मतलब मेरे पास 3 OH है, मतलब OH ऐसे 3 है। थोड़ा सिंपल वे में जा रहा हूँ, आपको थोड़ा कॉमेडी लगता होगा यहाँ पे, लेकिन आपको मैं समझाने की ट्राई करता हूँ ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, एक OH के पास एक ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी एक ऑक्सीजन एंड एक हाइड्रोजन होगा, और इसके पास भी एक ऑक्सीजन एंड एक हाइड्रोजन होगा। सो अगर OH3 लिखा है मतलब हमारे पास 3 ऑक्सीजन होंगे एंड 3 हाइड्रोजन होंगे, ऐसा आपको समझना है, क्लियर। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए सल्फर के साथ यहाँ पे O4 लिखा है, मतलब 4 तो यहाँ पे हो गए ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3, टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। सोडियम हमारे पास अवेलेबल है 2 और हाइड्रोजन हमारे पास है अगेन यहाँ पे 3। 5 एलिमेंट्स हैं, थोड़ा ये लॉन्ग पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, काम करते हैं उसके ऊपर, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप हाइड्रोजन से भी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके, सोडियम से भी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके, और एल्यूमिनियम से भी स्टार्ट कर सकते हो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, या फिर अगेन सल्फर से भी स्टार्ट कर सकते हो उसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, हम चलिए स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड हमारे पास देखिए एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट साइड पे जो मेरे पास एल्यूमिनियम है उसका जो कंपाउंड होगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2AlOH3, वही करना होता है ना, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे कहीं चेंज किया ही नहीं है, ओके। तो चलिए नंबर काउंट करते हैं, ठीक है। तो नंबर क्या होंगे, सो देखते हैं एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 हो गए। देन सल्फर यहां पे कोई चेंज नहीं किया है, तो सल्फर एज इट इज 1, ये वाला नंबर तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन यहां पे भी है, ठीक है। सो 3 तो ऑलरेडी यहां पे थे, 3 × 6 6 प्लस ये वाले 4, समझ में आ रहा है। यहां पे लिखा है Na2SO4 + 2AlOH3, तो 4 ये ऑक्सीजन और 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, इंटू 2 मतलब 6 यहाँ के होंगे, 4 यहाँ पे होंगे, तो कितना हो गया आंसर, 10। तो ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे हो गए 10। नेक्स्ट सोडियम, वो तो नंबर 2 एज इज रहेगा, मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, और 3 × 2 यहाँ पे हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन्स। बोलो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन थे, 2 से मल्टीप्लाई किया हो गया 6। तो अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, हमारा AL जो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ट्राई करते हैं यहाँ पे चलिए सोडियम से, ठीक है। तो सोडियम वाला जो कंपाउंड होगा उसको मैं प्रोडक्ट साइड जो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी रिएक्टेंट साइड जो है मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इनटू हम यहाँ पे कर रहे हैं 2, ओके। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं,
क्या होगा, सोडियम वाला मेरे पास कौन सा कंपाउंड है, ये रहा, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टू लिख दूंगा। चले मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ आपके लिए, Al2SO4 thrice प्लस, टू से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2NaOH gives, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है तो वो रहेगा एज इट इज Na2SO4 प्लस 2AlOH3। डन, ओके, रिएक्शन लिख दिया। चलो कैलकुलेट करो, तो एल्यूमिनियम मेरे पास यहाँ पे 2 एज इट इज, उसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है। सल्फर काउंट कीजिए, यहाँ पे अगेन 3, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ऑक्सीजन काउंट कीजिए, यहाँ पे 4 3 12 यहाँ पे था और यहाँ पे 2 हो गया, तो 12 प्लस 2 क्या आंसर आएगा, हो जाएगा 14। सोडियम मेरे पास हो गए 2, हाइड्रोजन भी मेरे पास हो गए यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 2 3 14 2 6 इस तरीके से हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगेन हाइड्रोजन वाला जो कंपाउंड होगा उसको मैं करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, हम ये भी कर सकते हैं, इसको मैं करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, ओके। तो क्या होगा, अब देखिए हाइड्रोजन वाला कंपाउंड मेरे पास है कौन सा, कौन सा कंपाउंड मेरे पास हाइड्रोजन वाला है, यही है NaOH जिसमें अभी हमने चेंज किया था। ठीक है, तो मैं अब बात को समझिएगा, मैं क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। सो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओके। सो रिएक्शन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, लिखते हैं यहां पे Al2SO4 3 प्लस हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6NaOH gives, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है तो वो हो जाएगा एज इट इज Na2SO4 प्लस 2AlOH3। सो नंबर में क्या चेंज होगा, कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे Al अगेन 2 एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं, सल्फर में 3, उसमें भी कोई चेंज नहीं, ऑक्सीजन में 4 12 प्लस ये 6 कितने हो गए, यहाँ पे हो गए वो 18। ठीक है, सोडियम मेरे पास हो गए यहाँ पे 6 और हाइड्रोजन भी मेरे पास हो गए यहाँ पे 6। सो एज यू कैन सी 2 3 18 6 6 मतलब मेरे पास एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे सोडियम वाला कंपाउंड एक है, तो उसको मैं क्या करूँगा, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, तो मैं सोडियम वाले कंपाउंड को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ओके। तो अब रिएक्शन क्या बनेगा वो देखते हैं। सो हमारा रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, Al2SO4 3 प्लस 6NaOH, हमने रिएक्टेंट साइड में कोई चेंज नहीं किया है, तो यहां मुझे लगाना पड़ेगा 3, सो हो जाएगा 3Na2SO4 प्लस 2AlOH3। अब चलिए यहां पे प्रोडक्ट काउंट कीजिए कितना हो रहा है। सो सोडियम हो गए, चले स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे 2, तो वो तो रहेंगे यहाँ हमारे पास सेम एज इट इज 2 2, ओके। सल्फर काउंट करते हैं, सल्फर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो देखिए ये हो गया 3। फिर ऑक्सीजन, सो यहाँ पे 4 है, SO4 × 3 है, तो 4 3 12 यहाँ पे हो जाएगा 12 सल्फर, सॉरी ऑक्सीजन, 4 12 प्लस यहाँ पे 3 2 6, तो प्लस यहाँ पे होगा 6, क्या आंसर आएगा 18। तो मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहे हैं 18, सोडियम 3 2 6 देख रहे हो, 3 2 6 यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6, तो 6 सोडियम हो गए। और हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 3 2 6, तो हाइड्रोजन हो गया मेरे पास 6। अब नंबर देखिए 2 3 18 6 6 2 3 18 6 6, ओके। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये वाला जो इक्वेशन है वो है हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड्स कि ये जो इक्वेशन में बैलेंस किया ना, बहुत लॉन्ग मेथड हो गया, मतलब 3-4 स्टेप के अंदर हम गए तब हमारा इक्वेशन जो बैलेंस हो रहा है, तो उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको मैं अब ये बताता हूँ, हम ये सेम इक्वेशन को अगेन लिखते हैं, क्या लिखा है, Al2SO4 thrice प्लस NaOH, ओके। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से हैं,
Al2SO4 thrice plus NaOH gives, क्या होगा यहां पे Na2SO4 Na2SO4 plus AlOH3. क्लियर? तो ये हमारा इक्वेशन है. अब हम क्या करेंगे, तो अगेन वही चीज करेंगे फ्रेंड्स, हम यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है उसके नंबर हम काउंट करेंगे. तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे है पहले एल्यूमिनियम, ठीक है. अब यहां पे जो फ्रेंड्स मैं आपको बात बताने की ट्राई कर रहा हूं वो ये है कि देखिए, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम जो है जब वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो कैसे फॉर्म करते हैं, तो पहले वो आयंस होते हैं, मतलब एल्यूमिनियम जो होगा Al+3 होता है, ठीक है, और SO4 जो होता है वो SO4 2- होता है, ठीक है. अगेन यहां पे कौन से आयंस होंगे, तो यहां पे होगा Na+ और यहां पे होगा OH-. तो फ्रेंड्स जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उस वक्त बैलेंस करने के लिए हम पूरे आयंस को भी यहां पे लिख सकते हैं. हमें यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन को अगर अलग नहीं करना है और उसकी जगह पे अगर हमें पूरा SO4 आयन यहां पे लिखना है तो लिख सकते हैं. लेकिन वो कब लिख सकते हैं, वो हम तभी लिख सकते हैं जब वो आयन दोनों साइड अवेलेबल हो. अगर SO4 यहां पे अवेलेबल है लेकिन SO4 पूरा आयन अगर यहां पे अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट साइड के अंदर, तो हम पूरा आयन यहां पे नहीं लिख सकते. लेकिन जो अगर ऐसे आयंस होते हैं फ्रेंड्स, वो अगर दोनों साइड अवेलेबल है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड अगर अवेलेबल है, तो दोनों को हम सीधा यहां पे लिख सकते हैं. कैसे, तो देखिए Al हो गया, फिर यहां पे SO4 है, मैं पूरा SO4 आयन का गिनती करूंगा यहां पे SO4 आयन पूरा, देन सोडियम तो एक अलग आयन है ही, और पूरा OH आयन में यहां पे काउंट करूंगा. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग काउंट ना करते हुए मैं यहां पे पूरा OH आयन काउंट करूंगा, ठीक है. सो सिमिलरली यहां पे प्रोडक्ट में हमारे पास कौन कौन से आयन अवेलेबल होंगे, Al देन SO4 देन सोडियम और यहां पे लिखते हैं OH. -+ लिखना लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कुछ उससे, ठीक है. लेकिन हम इस नंबर इसके काम करते हैं, उनकि जो चार्ज है उसको हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, चार्ज तो ऑलरेडी बैलेंस ही है उसके अंदर, ठीक है. तो नंबर काउंट कीजिए, हमारे पास एल्यूमिनियम कितने हैं, SO4 कितने हैं, सोडियम कितने हैं, NOH कितने हैं, काउंट कीजिए. चलिए एल्यूमिनियम हमारे पास है 2, SO4 3, सोडियम 1, OH आयन जो है हमारे पास वो भी है पूरा 1. यहां पे काउंट कीजिए, एल्यूमिनियम हमारे पास है 1, सल्फेट आयन हमारे पास है 1, सोडियम आयन भी हमारे पास है यहाँ पे 2, और हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास है 3. ओके, सो अब क्या करेंगे, तो देखिए SO4 SO4 OH OH और सोडियम ये अनबैलेंस है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले हम ये कर सकते हैं कि मेरे पास रिएक्टेंट साइड सोडियम वाला जो कंपाउंड है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई 2 से. ओके, सो रिएक्शन क्या बनेगा, सो लिखते हैं रिएक्शन हमारे पास बनेगा Al2SO4 3 एज इट इज, क्योंकि हमने चेंज करना है सोडियम के अंदर, प्लस यहां पे हो जाएगा 3, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 2 NaOH gives, प्रोडक्ट साइड के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया है तो वो रहेगा एज इट इज Na2SO4 प्लस AlOH3. क्या चेंज हुआ है, काउंट करते हैं, नंबर काउंट करते हैं जो चेंज हुआ है. ओके, सो देखिए एल्यूमिनियम हमारे पास यहाँ पे 2, वो तो एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं किया. सल्फेट आयन वो भी 3, उसमें चेंज नहीं किया. ओके, सोडियम कितने हैं मेरे पास, 2 हो गए, और हाइड्रोक्साइड आयन भी कितने हो गए मेरे पास यहाँ पे, 2 हो गए. क्लियर? अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए सोडियम हमारा बैलेंस हो गया, अब ट्राई करते हैं सल्फेट को बैलेंस करने के लिए. तो यहां पे सल्फेट आयन का जो कंपाउंड है उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है. तो क्या करेंगे, आगे काम करते हैं. ओके, सो रिएक्टेंट साइड एज इट इज Al2SO4 3 प्लस 2 NaOH, ये एज इट इज रहेगा. यहां पे क्या करेंगे, सल्फेट आयन वाला जो कंपाउंड है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहां पे हो जाएगा 3 Na2SO4 प्लस AlOH thrice एज इट इज, क्योंकि हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है.
तो अब काउंट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट साइड है उसमें कितने नंबर्स हैं। तो एल्यूमिनियम एज इट इज उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, 1। सल्फेट आयन यहां पे 3 हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3। सोडियम मेरे पास हो गया यहां पे 3 × 2 = 6, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है फ्रेंड्स वो हमारे पास हो गया यहां पे 3। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम यहां पे ये कर सकते हैं कि देखिए जो एल वाला कंपाउंड है मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके तो क्या होता है देखते हैं हमारा रिएक्शन क्या बनेगा, पहले ये लिखते हैं। सो रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, Al2SO43 +2NaOH gives, Al वाला कंपाउंड को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे होगा 3Na2SO4 +2AlOH3। ओके अब नंबर काउंट कीजिए प्रोडक्ट साइड के अंदर। सो एल्यूमिनियम हो गए मेरे पास यहाँ पे 2, ठीक है, फिर सल्फेट आयन मेरे पास यहाँ पे है 3, सो यहाँ पे हो जाएगा 3। सोडियम मेरे पास यहाँ पे है 3 × 6, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6, और हाइड्रोक्साइड आयन मेरे पास जो है 3 × 6, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट 2, 3, 2, 3 दोनों में सेम है, लेकिन सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन जो है दोनों साइड सेम नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड वाले जो आयन मतलब जो कंपाउंड मेरे पास अवेलेबल होगा, अगर उसको मैं दोनों को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे 6 आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि NaOH पूरा एक ही कंपाउंड है, मतलब सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड दोनों आपको मिले, ऐसे एक कंपाउंड है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल NaOH, तो हम क्या करेंगे उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सो हमारा नेक्स्ट जो फ्रेंड्स इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट Al2SO43 प्लस, देखिए पहले से 2 यहां पे है और उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 NaOH। प्रोडक्ट हमने कोई चेंज नहीं किया तो वो इट इज 3 Na2SO4 +2AlOH3। ओके नंबर काउंट कीजिए फ्रेंड्स फाइनली। सो इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारा पूरा इक्वेशन है उसमें एल्यूमिनियम हमारे पास है 2, सल्फेट आयन 3 × 3 तो वो हो गए सिर्फ 3, सोडियम 6 है, ओके, और हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास है यहाँ पे 6, तो देखिए 2, 3, 6, 6 वहां पे भी है 2, 3, 6, 6। ओके तो इस तरीके से भी फ्रेंड्स हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आयन हमारे पास इस साइड पे अवेलेबल है वो सेम आयन हमारे पास इस साइड मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड पे हमारे पास वो आयन अवेलेबल होना चाहिए, तो हम इस मेथड से भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने एक मेथड से देखा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, वो मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि पार्शियल इक्वेशन मेथड से हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर पाएंगे, और मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा जिससे आपको MCQ के अंदर अगर आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर में समझ में आया होगा, और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स हम प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट अद्वैतअचीवर्स.com को भी विजिट कर सकते हैं। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जय भारत एंड विद्यार्थी ओबवा।